नमस्कार। जम्मू कश्मीर में रोड एक्सीडेंट से हर रोज़ एक नई खबर आ रही है। कोई दिन नहीं जाता जब हमें यही खबर नहीं मिलती कि जम्मू कश्मीर में इस एक हिस्से में कभी दूसरे हिस्से में एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी दो दिन पहले एक ऐसा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि एक ही परिवार के 4 सदस्य चले गए। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हो उनका क्या हाल होगा। हम बहुत बात करते हैं, सारी दुनिया में यह है कि जम्मू में कश्मीर के मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी बहुत बार हमने बताया कि टेररिज्म से मिलिटेंसी में इतने लोग जम्मू कश्मीर में नहीं मरे हैं जितने एक्सीडेंट से यहाँ मरे हैं। जो हमारे पास डाटा आया है 2010 में से लेकर अब तक 12,124 लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई है, जबकि 1100 लोग जो हैं वो मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स और सिविलियंस हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट से कितनी मौतें हो रही हैं हर रोज़। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिसमें हमें खबर नहीं मिलती, चाहे पीर पंजाल की तरफ हो, चाहे चिनाब वाली की तरफ हो, चाहे कश्मीर की तरफ हो, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की तरफ हो, कोई ना कोई खबर हर दूसरे दिन आ जाती है। और हम एक सहमति बता के, अफसोस जता के, एक प्रेस नोट इशू करके खामोश हो जाते हैं। क्यों नहीं इस पर अमल किया जाता, रीज़न देखे जाते, क्या रोड्स की कमी है, या ट्रैफिक पुलिस की कमी है, या उनकी अनदेखी है। ये सब चीज़ें अब देखने योग्य हैं। कब तक आखिर ये रोड एक्सीडेंट रोज़ हम सुनते रहेंगे। जहाँ तक ट्रैफिक की बात करें, जम्मू को बड़ा एक संदेश दिया जा रहा है। जम्मू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए जो मेयर आए हैं, उन्हें आज भी बहुफोर्स से शुरुआत की है। वहाँ में एक नया सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, मेरा शहर सुंदर शहर का स्लोगन दिया है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की क्या है, आप देख सकते हैं। मैं कॉर्पोरेशन को ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या कभी आपने गांधीनगर या शास्त्री नगर एरिया में चक्कर लगाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि यहाँ की जो मेन रोड्स हैं वो लोगों ने बंद कर दी है। उनके घर में फंक्शन है, बाहर टेंट लगा दिए और बाहर ही खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। एक नहीं, 3-3 गलियाँ बंद की हुई हैं। आप इमेजिन करेंगे जब कोई गाड़ी लेके वहाँ से निकलता है और आगे जाके उसको पता चलता है कि यह रास्ता बंद है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल होती है। फिर दाएं मुड़ता है तो पता चलता है दाएं का भी रास्ता आगे बंद है, आगे कोई शादी चल रही है। बाएं मुड़ता है तो वहां से भी उसको पता चलता है कोई और फंक्शन हो रहा है। किसकी परमिशन है ये गलियां बंद करने की, किसने परमिशन दी है? और कॉर्पोरेशन ने कभी चेक नहीं किया कि गली क्यों बंद कर रहे हैं आप, वो भी मेन गली जहां से ट्रैफिक निकलती है, अच्छी खासी सड़क है। अब वो गाड़ी लेके पीछे जाएगा, जब 3-4-5-6 गाड़ियाँ फंस जाएंगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या इस बात पे कभी सोचने की कोशिश की? कॉर्पोरेशन के आदमी जगह जगह घूमते हैं, कहीं भी रेता ईंट बजरी पड़ी हो उनका ध्यान चला जाता है, लेंटर पड़ना हो ध्यान चला जाता है, लेकिन सड़क बंद है। ठीक है, उनके घर में शादी है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, मनाइए आप खुशी, लेकिन घर के अंदर मनाइए ना, कोई हाल ले लीजिए। इतने हाल बने हैं, वहाँ जाके मनाइए, गली क्यों बंद कर रहे हैं आप? बाकियों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आने जाने वालों को परेशान कर रहे हैं, आमने सामने वालों को परेशान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कौन देखेगा? ये कॉर्पोरेशन का काम है देखना, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ तो उन्होंने परमिशन दी है इनको। अगर परमिशन दी है तो किस आधार पर दी है? आपको किसने हक दिया कि आप गली बंद कर दो? आपके पास एक्ट है, देखी पड़ी है, कोई भी गली बंद नहीं कर सकता, किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकता, ट्रैफिक को रोक नहीं सकता। यहाँ तो आए दिन गलियाँ बंद होती हैं, ट्रैफिक रुकी होती है। अगर आपने अपना शहर खूबसूरत बनाना है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।